हम आपके लिए चलते हैं उमे फरवा की जानिब, जो हमें बता रही हैं कि जो किडनी पेशेंट्स हैं उनके लिए कौन सी डाइट बहुत अच्छी है, तो उमे फरवा से जानते हैं। जी उमे फरवा, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे किडनी डिजीज़ पे, यानी वो लोग जिन्हें गुर्दे की बीमारियाँ, उन्हें किस तरह की ग़िज़ा खानी चाहिए। पहली बात तो ये कि जितने भी किडनी के पेशेंट्स होते हैं, यूजुअली उनमें होता है कि अंडरलाइन कोई और हेल्थ कंडीशन मौजूद होती है। जिस तरह डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उनमें नेफ्रोपैथी यानी किडनी डिजीज़ हो जाता है। ज़्यादा जिनका ब्लड प्रेशर का इशू रहता है, क्योंकि किडनीज़ आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती हैं, तो उनमें भी ये मसला देखने को मिलता है। किडनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी का, और इसके साथ जो इशू ये है वो ये कि एक दफ़ा डैमेज हो जाए तो वो आपका इरिवर्सिबल लॉस होता है, यानी वो रिपेयर नहीं होता। जिस तरह लिवर एक ऐसा ऑर्गन है, वो ख़ुद को फिर भी रीजेनरेट कर लेता है, लेकिन किडनी खुद को रीजेनरेट नहीं कर सकती। तो इसका बहुत ज़्यादा आपको ख्याल रखना पड़ता है, स्पेशली जब किसी पेशेंट को किडनी डिजीज़ एक दफ़ा हो जाए। वो होता यह कि जब किडनी डिजीज़ जो है, इसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। किडनी ने आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को, आपका जितना यूरिन वगैरह उसको एक्सक्रीट आउट करना है, तो इसकी बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसमें इशू ये होता है कि जब आपकी किडनी जो है वो ओवरवर्क कर करके एक टाइम आता है कि एग्जॉस्ट हो जाती है और वो अफेक्ट होनी शुरू हो जाती है। स्पेशली जिस ना डायबिटीज़ के पेशेंट है कि बार बार ब्लड ग्लूकोज लेवल्स हाई थे और उसको ब्लड को क्लीन करते करते, फ़िल्टर करते करते, तो आपकी जो किडनीज़ हैं इफेक्ट हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा मेडिसन्स का इस्तेमाल, जब तक आपको डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब ना करे वो आपको नहीं खानी चाहिए, क्योंकि वो भी आपको किडनीज़ को अफेक्ट कर सकती है। सो आपने होता ये है कि जब पेशेंट स्टेज वन किडनी डिजीज़ पे होता है, यानी जब किडनी का फंक्शन अभी पूरी तरह इफेक्ट नहीं हुआ होता, माइनर स्टेज पे इफेक्ट हुआ होता है, तो उसमें यूजुअली आपका जो अगर किडनी का हम रीनल फंक्शन टेस्ट कराएं तो सीरम क्रिएटिनिन बड़ा होता है। तो जब इनिशियल स्टेजेस पर होता है आपका किडनी डिजीज़, तो उसके अंदर हम थोड़ा सा प्रोटीन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, यानी जितनी आपकी गोश्त वाली चीज़ें हैं उसको हमने थोड़ी मिकदार, ये नहीं करना कि बिल्कुल बंद कर देनी है, उसको आपकी रिक्वायरमेंट से हम थोड़ा कम देते हैं। लेकिन जो एडवांस स्टेजेस हैं, जब एक दफ़ा ये बढ़ जाए तो उसके बाद में हमें प्रोटीन कम नहीं करना होता। ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि अगर किसी को किडनी डिजीज़ हो गया तो उसमें मुकम्मल तौर पे गोश्त बंद कर देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको देना होता है प्रोटीन, लेकिन ये हमने मेक श्योर करना है कि गुड क्वालिटी प्रोटीन जा रहा हो, यानी जितना भी प्रोटीन हम गोश्त अंडा इन चीज़ों से लेते हैं वो अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन होता है। मगर जब हम देना शुरू कर दें प्रोटीन, जिस तरह दालों से हम पूरा करने की कोशिश करें, तो उसके बॉडी के अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए हमने ये कोशिश करनी होती है कि पेशेंट को चाहे हम कम अमाउंट में दें, लेकिन प्रोटीन अच्छे सोर्स से जाना चाहिए, जिसमें मुर्गी आ गई, मछली आ गई, अंडा, अंडे की यूजुअली हम कहते हैं सफ़ेदियों का ही इस्तेमाल करें, जर्दी मत लें, ताकि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स वगैरह और फैट लेवल जो है वो कंट्रोल में ही रहे। तो उसके अलावा मटन अगर इस्तेमाल करना है किसी ने, तो अगर तो पेशेंट को इजाज़त है, अगर आपकी हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको डॉक्टर अलाउ करे, तो फिर आप उसमें ये, यूजुअली जब किडनी पेशेंट को ब्लड प्रेशर का इशू हो तो हम मटन, बीफ ये भी अलाउ नहीं करते, क्योंकि उसमें चिकनाई ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होती है। और अगर आपको बहुत करना भी चाहें तो आपको वो पोर्शन लेना चाहिए जो कि बिल्कुल लीन हो, जिसमें चर्बी ना मौजूद हो। जहाँ तक मील्स की बात है कि हमने ये कोशिश करनी होती है कि किडनी के जो पेशेंट हैं वो भी दिन में 5 से 6 बार ही खाना खाएं, छोटे छोटे मील्स लें, और आपने कम सोडियम कम पोटेशियम वाली जो ग़िज़ा है वो इस्तेमाल करनी होती है, क्योंकि सोडियम जो है आपकी अगर ज़्यादा होगा तो उसमें आपका ब्लड प्रेशर भी हाई रहेगा, किडनीज भी अफेक्ट होंगी। तो सोडियम यानी नमक वाली चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। उसके लिए जितने भी बाज़ार के प्रोसेस फूड हैं, आपको जितने रेडी टू ईट या रेडी टू ये जो हमें मिलते हैं प्रोसेस फूड हैं, जिन्हें हम सिर्फ घर लाते हैं, फ्राई करते हैं और खा लेते हैं, तो वो इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, क्योंकि उसके अंदर सोडियम की मिकदार ज़्यादा होती है। जितनी पैकेट वाली चीज़ें हैं, आपका जंक फूड वगैरह, उसके अंदर भी ज़्यादा अमाउंट में सोडियम की मिकदार होती है। फिर कुछ फल ऐसे हैं जिनके अंदर पोटेशियम ज़्यादा होता है, जिस तरह आम है, केला है, तो ज़्यादा पोटेशियम वाली जो चीज़ें हैं वो हम ऐसे मरीज़ को नहीं अलाउ करते। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, फॉस्फोरस। जो किडनी वाले पेशेंट हैं उनकी ग़िज़ा एक नॉर्मल इंसान से डिफरेंट होती है, उसको हम वही सर्विंग साइज़, यानी अगर एक नॉर्मल इंसान को हम कहते हैं कि आप एक वक्त में एक गिलास दूध का या एक कप जो है दूध या दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो किडनी पेशेंट के केस में हम सिर्फ एक वक्त में आधा कप ही दे सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर फॉस्फोरस ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होता है, जो कि किडनी पेशेंट को रिकमेंडेड नहीं है। इसके अलावा एक बहुत जो हम नॉर्मली प्रमोट करते हैं कि हमने ब्राउन आटा जो है उसकी रोटी इस्तेमाल करनी है, ब्राउन ब्रेड इस्तेमाल करनी है, तो ये जितनी भी हमारे हाई फाइबर वाली चीज़ें हैं, सीरियल्स वगैरह, वो हम किडनी पेशेंट्स में अलाउ नहीं करते। उसकी वजह ये है कि जो चीज़ें
फाइबर में ज़्यादा होती हैं उनमें फॉस्फोरस भी ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। तो हम किडनी पेशेंट को सफ़ेद आटे की जो रोटी है वही देते हैं, चाहे वो डायबिटिक ही क्यों ना हो। उसकी मेन रीज़न यही है कि हमने उसकी किडनी जो है, यहाँ पे मेन जो हमारा कंसर्न है वो है उसकी किडनीज को फर्दर डैमेज होने से बचाना, और उसकी बॉडी में जितने भी उसके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं यानी सोडियम पोटेशियम वगैरह, इनको ठीक मकदार में मेनटेन रखना। एक और भी जो इशू, जो लोग चले जाते हैं एंड स्टेज किडनी डिजीज़ पे यानी स्टेज 4 या 5, जहाँ पे उनको डायलिसिस पे शिफ्ट कर दिया जाता है, तो डायलिसिस वाले पेशेंट में ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हर पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग उसके हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा कुछ लोगों के ऑल्टरनेट डेज पे डायलिसिस हो रहे होते हैं। तो जब डायलिसिस किए जाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा आपका खून जो है वो भी ज़ाया होता है। तो उसमें ये होता है कि क्योंकि डायलिसिस मशीन जो है वो आपके खून को फिल्टर करती है, आपको एक वो आर्टिफिशियल किडनी का काम सरंजाम देती है, तो बॉडी के अंदर आपको पानी जो है वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। तो उसके लिए भी ये है कि जब वाटर रिस्ट्रिक्शन करते हैं, यूजुअली डॉक्टर्स आपको कह देते हैं कि आप एक दिन में 1 लीटर यानी 4 ग्लास से ज़्यादा पानी नहीं ले सकते, सवेयर केसेस में आधे लीटर पर ले जाते हैं। तो उस वाली कंडीशन में होता ही है कि पेशेंट को प्यास बहुत लगती है, और क्योंकि पानी जो है वो हम किसी तौर पे भी बढ़ा नहीं सकते, तो उसके कुछ सिंपल टिप्स हैं कि कम मसालों वाले खाने खाएं, कम नमक वाली ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, उससे आपको प्यास कम लगेगी। जिंक अगर आपकी डाइट में मौजूद है तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। खजूर में जिंक होता है, लेकिन खजूर में पोटेशियम भी होता है, तो वो आपके गुर्दों के लिए अच्छा नहीं। तो कुछ केसेस में आप अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से कंसल्ट करके सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। और जो किडनी वाले पेशेंट्स होते हैं, स्पेशली जो डायलिसिस पे हैं, वो एनीमिया के भी शिकार हो जाते हैं, यानी बॉडी में आयरन भी कम होता है, तो उनको उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें आयरन भी देना होता है। साथ में ये कि जो प्यास बहुत ज़्यादा लगती है उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, तो गर्म पानी या रूम टेम्परेचर वाले पानी के बजाय ठंडे पानी का इस्तेमाल करें। आप आइस क्यूब जो हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप फ्रोज़न ग्रेप्स यानी अंगूर जो हैं 1/2 कप ले लीजिए, उसको आप ठंडा करके या जमा के, तो आप वो भी ले सकते हैं, वो भी आपकी थर्स्ट को क्वेंच करेगा। थैंक यू वेरी मच उमर फरवा जी।